हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी स्टडीज। आज हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना होगा। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखें। सिलेबस आपको गवर्नमेंटेड वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम मैं बता देती हूँ, UPSMP पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर लें। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देना, इसलिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल आपको अपनी तरीके से ही बनाने पड़ते हैं, इसलिए आप टाइम टेबल बनाएं। नेक्स्ट है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर को आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर मांग के लाइए किसी से और आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको ये देखना है कि उसमें से कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट करते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 15 में पूछे होते हैं बट 16 में नहीं पूछे होते हैं और 17 में पूछे होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप प्रैक्टिस करते रहें। क्लियर योर कॉन्सेप्ट, आपने जो भी पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। अगर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहें, निगेटिव ना रहें, इसलिए पॉजिटिव रहें हमेशा। सी वन शॉर्ट वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं किसी भी चैप्टर्स के, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वन शॉर्ट वीडियो जरूर देखें, इससे आपके 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। किसी किसी के 100% क्लियर हो जाते हैं। स्मार्ट स्टडी, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो सिलेबस में नहीं पूछा रहता है, जो सिलेबस में नहीं दिया रहता है उसको भी पढ़ लेते हैं, बट जो सिलेबस में दिया हो उसे ही पढ़ें।